पवन सिंह ने खुद अपने एक हाल ही में YouTube को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि वो जल्द ही अपने फैंस को ये खुशखबरी देने वाले हैं कि वो सलमान खान के साथ कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जब रिपोर्टर ने पवन सिंह को पूछा कि अब तो आपने बॉलीवुड में एंट्री मार ही ली है, तब रिपोर्टर ने आगे पूछा कि आगे चलकर आप इन तीनों खान में से किसके साथ डांस करना चाहेंगे, किसके साथ अपनी कमरिया हिलाना चाहेंगे। तब इसका जवाब पवन सिंह ने कुछ ऐसा दिया। पवन सिंह ने कहा कि वो कोई और नहीं सलमान खान होंगे और जल्द ही हो सकता है कि मेरी उनसे मुलाकात हो और मैं अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी न्यूज़ दूं। यानी कि साफ साफ इंडिकेशन है कि पवन सिंह अब अगर किसी से मिलना चाहते हैं, किसी के साथ बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, किसी के साथ डांस करना चाहते हैं, तो वो कोई और नहीं नन अदर देन सलमान खान है। यहाँ पर पवन सिंह ने मेंशन किया कि आज 27 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, यानी कि गाना गाते हुए, और 13-14 साल हो गए हैं मुझे एक्टिंग करते हुए। आज मैंने जो भी मुकाम हासिल किया है अपने दर्शकों की वजह से हासिल किया है। और आपको बता दें कि जब से पवन सिंह ने ये इंटरव्यू दिया है, तब से ये इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है और अब लोग इस बात का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करेंगे कि पवन सिंह कौन से दिन अनाउंस करेंगे कि वो सलमान खान के साथ कौन से प्रोजेक्ट में नज़र आएंगे। वैसे उन्होंने कहा कि सलमान खान मेरे साथ क्यों काम करेंगे, मैं सलमान खान के साथ काम करना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे आदरणीय हैं, वो मेरे रिस्पेक्टिव पर्सन हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आज खुले तौर पर पवन सिंह ने सलमान खान की तारीफ करते हुए ये कहा कि वो मेरे फेवरेट हैं और उनके साथ आगे मैं डांस करना चाहता हूं और काम भी करना चाहता हूं। हो सकता है इस चीज़ का खुलासा मैं जल्द ही करूं क्योंकि बात अभी चल रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।